हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपका समास को लेकर जितना भी कंफ्यूजन है अभी तक वो सारा दूर होने वाला है। ठीक है, जितने भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हिंदी आती है तो उसमें समास ज़रूर आता है, दो चार क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। तो अब जब आप समझ लेंगे एक बार तो फटाफट कर लेंगे। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे करना है और समास में कैसे डिफरेंस पता करना है कि कौन सा समास है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि समास क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भारी भरकम हिंदी की डेफिनेशन नहीं बताएंगे, सिंपल वर्ड्स में बताएंगे जिससे आपके भी समझ में आ जाए कि क्या है। बड़ी बड़ी डेफिनेशंस तो हर जगह आपको मिल जाएंगे, है ना। तो समास क्या है, जैसे दो तीन शब्द हैं उनको मिला के एक शब्द बना जिसका कोई सार्थक मतलब निकल रहा है, ठीक है, उसको कहा गया समास। ठीक, और जो शब्द बना उसको सामासिक पद कहेंगे। ठीक है, इसमें दो पद होते हैं, पहले वाला पूर्व पद, बाद वाला जो पद रहेगा उसको उत्तर पद कहते हैं समास का। ठीक है, अब देख लेते हैं समास के कितने भेद हैं, कितने प्रकार का होता है। तो समास छः प्रकार का होता है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अव्ययी भाव समास को। ठीक है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो। अव्यय क्या होता है, अब अव्यय उसे कहते हैं जो जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक, इन सब का जिस शब्द पे कोई प्रभाव ना पड़े, तब लिंग बदल जाए, समय बदल जाए, तो भी जो सेंटेंस है उसमें वो शब्द वैसे के वैसे ही रहें, उस उनमें कोई चेंज ना हो, तो वो अव्यय होता है। ठीक है, तो पहला पद यानी कि अव्यय होगा। ठीक, इसलिए उसे अव्ययी भाव समास कहा गया। ठीक, अब समझ लेते हैं कैसे। आ प्लस जीवन, आजीवन, भर, बे, शक, बे और शक, बे हो गया इसमें, निह संदेह, तो इसमें निह हो गया, खूब प्लस सूरत, खूब हो गया इसमें, इसमें और फिर यथाशक्ति में यथा, हर रोज़ में हर, नी प्लस डर, नी हो गया इसमें, प्रति प्लस वर्ष, प्रतिवर्ष। ठीक, तो ये जो आ, भर, बे, नी, खूब, यथा, हर, नी, प्रति, इस टाइप के जो छोटे छोटे वर्ड हैं ये अव्यय हैं, और ये जिन जिस भी वर्ड में लगे होंगे हम देख के समझ जाएंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, और एक दूसरे तरीके का भी इसमें आएगा, जैसे एक ही शब्द दो बार आ गया, ठीक, बार बार आवृत्ति हो तो उसमें भी अव्ययी भाव समास ही होगा। अब लिख के आ गया दिनों दिन में, बताओ कौन सा समास है, तो इसमें अव्ययी भाव होगा, दिनों दिन, रातों रात, घर घर, हाथों हाथ, इस टाइप के। ठीक, तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा समास है। ठीक, आई थिंक अव्ययी भाव क्लियर हो गया होगा। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की। ठीक है, अब आ जाते हैं तत्पुरुष समास पर। इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि समास विग्रह करो। समास विग्रह मतलब जैसे जो शब्द है उसको अलग करिए, समास वाले शब्द को अलग करने को समास विग्रह कहेंगे और संधि को अलग करने को संधि विच्छेद कहेंगे। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो समास विग्रह किया, अब जैसे ये मन चाहा वर्ड है, ठीक, इसको जब अलग करेंगे तो क्या आएगा, मन से चाहा, तो क्या निकला बीच में, से, तो इससे हमें पता करना है कि ये कौन सा है। ठीक, कारक, सबसे पहले कारक जो होते हैं वो आठ तरीके के होते हैं। ठीक, तो इसमें जो पहला वाला कारक है और लास्ट वाला, ठीक, वो दोनों हटा देंगे, बीच के जो छः हैं वो आ जाएंगे तत्पुरुष में। ठीक, जो जो बीच के छः कारक हैं उनके जो चिन्ह आते हैं उसके साथ ये छः कारक ये तत्पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ देंगे। ठीक, कर्ता ने वाला ये हट जाएगा, संबोधन हे अरे वाला हट जाएगा, बाकी के जो छः होते हैं वो इसमें आएंगे। ठीक, और विग्रह में मतलब विग्रह करने के बाद जो कारक दिखाई दे हमें, जिस जिस भी कारक का सिंबल पता चले कि ये से आया, के लिए आया, तो जो पता लगे बस वही वाला तत्पुरुष हो जाएगा। तो इसमें कितने तरीके के तत्पुरुष हो जाएंगे, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक, तो कर्ता ने तो हटा दिया, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान से मतलब अलग हो, अलग होने का इसमें पता चलेगा अपादान वाले में, और करण वाले में के द्वारा वाली फीलिंग आएगी इसमें,
कि उसके द्वारा किया जा रहा है ऐसा कुछ आएगा। ठीक, अपादान वाले में अलग होने का पता चलेगा, संबंध काकी के और अधिकरण में पर। ठीक, तो जितने भी तत्पुरुष समास वाला होगा तो उसमें जब शब्द को अलग करेंगे हम तो उनमें से ये सारे वर्ड्स निकल के आएंगे बीच से। तो जब भी विग्रह करने पर को से के लिए अलग होने के अर्थ में से काकी के में पर ये सारी चीज़ें बीच से निकलती हुई पता चले हमें तो उन सभी जगह तत्पुरुष समास होता है। ठीक, अब द्विगु समास समझ लेते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक, और विग्रह करने पर समूह का बोध होता है, मतलब एक तो ये संख्यावाचक होगा और प्लस इसमें ग्रुप का पता चलेगा। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि ये द्विगु समास ही संख्यावाचक वाला है? तो देखिए, इसके नाम में ही द्वि है, द्वि मतलब दो, तो जब इसके नाम में ही द्वि है तो इससे पता चल जाएगा, हमें याद करने में भी आसानी हो जाएगी कि ये संख्यावाचक वाला है, क्योंकि इसके नाम में ही दो है तो यही संख्यावाचक वाला है। और प्लस इसमें ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि ये इसे ग्रुप का भी पता चलना चाहिए। ठीक है, अब जैसे नवरात्र में है तो नौ रात्रियों का युग, अठन्नी आठ आनों का समूह, तो इस तरीके से पंचतत्व पांच तत्वों का समूह, तो इसमें ग्रुप का भी पता चलेगा। ठीक, और प्लस ये संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक देखते ही द्विगु समास पे नहीं कूद पड़ना है। ठीक है, समझ लेना है कि समूह ही पता चल रहा है, क्योंकि आगे एक और चीज़ आने वाली है उसमें कन्फ्यूज़न पैदा होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक, अब जब दोनों प्रधान दो हैं, कुर्सी एक है, तो भाई द्वंद्व तो होगा ही। ठीक, तो बस ऐसे ही आपको समझ लेना है कि इसमें द्वंद्व चल रहा है, जो शब्द हैं उनमें द्वंद्व चल रहा है, एक तरीके का द्वंद्व में लड़ाई झगड़ा टाइप का कुछ इमेजिन कर लीजिए। याद करने के लिए बहुत मज़ा आएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा इस तरीके से। अब अन्न जल देखिए, इसमें ना कोई बड़ा है ना छोटा है, बिना खाना खाए भी नहीं रह सकते, बिना पानी पिए भी नहीं रह सकते। ठीक, अपना पराया राजा रंग देश विदेश, मीन्स इसमें बराबरी वाली फीलिंग आएगी आपको, और इसके जो बीच का इसमें योजक लगा रहता है, ये जो बीच में डंडा है इसको योजक बोलते हैं। ठीक, तो इनके बीच में योजक लगा रहेगा है, और इसको जब अलग करेंगे तो इसके बीच में या पता लगेगा कि या है या और है, ये सारी चीज़ें या और की जगह योजक लगा रहता है, इस टाइप का रहेगा। ठीक, तो आप समझ जाएंगे इनमें द्वंद्व चल रहा है और ये द्वंद्व समास है। ठीक, सबसे बढ़िया तरीका इसको याद रखने का, और अब कभी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बहुव्रीहि समास। तो इसमें क्या है, इसमें जो कोई पद प्रधान नहीं है, ठीक है, दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक, तो हमने पहले बताया था कि नंबर देखते ही द्विगु पर मत कूद पड़ना। ठीक, तो देखिए इसमें आ गया त्रिलोचन, दशानंद, चतुर्भुज, तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए हमने कहा था कि जब ग्रुप का पता चले तब होगा द्विगु समास। ठीक है, तो देख लेते हैं बहुव्रीहि और उसमें अंतर कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो उसमें ग्रुप का पता चलेगा द्विगु समास में, हमने बताया था। ठीक, और इसमें जो है ये तीसरे की तरफ इशारा करेगा, मतलब जैसे त्रिलोचन जो है तो कहीं तीन आंखें रखी तो हुई नहीं है, दश आनंद दश मुख कहीं रखे नहीं हुए हैं। ठीक, ये वर्ड किसी की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब अब गज आनंद मीन्स गज जैसे मुख वाले कौन, गणेश जी। ठीक, तीन आंखें त्रिलोचन, शंकर भगवान। ठीक, और दश आनंद दश मुख हैं जिसके, रावण की तरफ कहा गया है ये। चतुर्भुज चार भुजाएं वाले, विष्णु भगवान। मुरलीधर मीन्स मुरली को धारण किए हैं जो, वो हो गए श्री कृष्ण भगवान। तो ये जो वर्ड्स हैं ये किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये बहुव्रीहि समास है। ठीक, तो नंबर्स भले रहें तो ध्यान रखिएगा करते समय। अब आ जाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय और बहुव्रीहि में भी कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको देख लेते हैं कैसे पता कर लगाना है कौन सा है। ठीक है, तो इसमें दो पद रहेंगे, पहला विशेषण रहेगा, दूसरा विशेष, मीन्स इसमें जब देखेंगे अलग करेंगे तो इसमें जो पहला पद है वो विशेषण है कि मतलब, और सेकंड वाला विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है,
तो सेकंड वाले की विशेषता बताता हुआ पहला वाला पद विशेषण रहेगा। ठीक, अब जैसे देखिए महादेव मीन्स महान, देव तो देव, देव की विशेषता बताई जा रही है। सेकंड वाला वर्ड है देव और पहला वर्ड है विशेषण जो कि है महान, तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे। ठीक, और जैसे इसको अलग करेंगे तो इसके बीच से वर्ड निकलेंगे है जो के समान, इस टाइप के वर्ड, ये वर्ड्स बीच से पता लगेंगे हमें कि ये कहा जा रहा है। विग्रह करने पर बीच में से ये वर्ड पता लगेंगे। ठीक, दुरात्मा बुरी है जो आत्मा, कर कमल कमल के समान हाथ कर, तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कि ये गर्मधारय समास है। ठीक, चंद्रमा के समान मुख, तो इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी सारे समास हमने बता दिए आपको, और अगर कोई कन्फ्यूज़न होता हो, कुछ नहीं बता पाए हो हम, या आपको कोई डाउट अभी भी हो रहा हो, तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कन्फ्यूज़न को दूर करने की अपनी तरफ से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।